जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था तब पाकिस्तान पूरी तरह आवाक रह गया था। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या है। इसके बाद पाकिस्तान ने आओ देखा न ताओ जल्दीबाजी में आकर भारत से बदला लेने के लिए राजनयिक संबंध को कम करने और द्विपक्षीय व्यापार को सस्पेंड करने का फैसला लिया। लेकिन एक ही महीने में पाकिस्तान की सारी हैकड़ी निकल गई। अभी व्यापार रुके एक महीने भी नहीं हुए कि पाकिस्तान के तेवर ढीले पड़ने लगे। सोमवार को पाकिस्तान ने भारत के साथ आंशिक रूप से व्यापार बहाल कर जीवन रक्षक दवाओं के आयात करने को मंजूरी दी। पाकिस्तान की एक निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वाणिज्यिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए भारत से दवाओं के आयात और निर्यात को अपनी मंजूरी दे दी है। बता दें कि एक महीने में ही पाकिस्तान में जीवन रक्षक दवाओं की कमी से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ा है। पाकिस्तान के दवा उद्योग का भी इस समय बुरा हाल है। पड़ोसी देश पाक ने जब भारत से व्यापारिक रिश्ते खत्म किए तो वहां के व्यापारियों को भारत से दवाएं न मंगवाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के अस्पताल में जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत हो गई और दवाओं के अभाव में मरीज तड़पने लगे। इसके बाद इमरान खान की सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं के खरीदने का निश्चय किया। दवा समिति के प्रमुख ख्वाजा शाहजेब अकरम ने बताया कि स्थानीय स्तर पर उत्पादित दवाओं में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का एक बड़ा हिस्सा भारत से आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश में दवाओं के लिए कच्चे माल का एक स्थापित उद्योग है। पिछले महीने की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में जीवन रक्षक दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी का जोखिम पैदा हो चुका था। पाकिस्तान के एक उद्योग संगठन ने इसे देखते हुए सरकार से फिलहाल आयात नियमों को आसान करने की अपील की थी। पाकिस्तान का अखबार डॉन के अनुसार उद्योग संगठन एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान EFP ने कहा था, भारत से कच्चा माल या तैयार उत्पाद के रूप में आयातित जीवन रक्षक दवाएं बाजार से खत्म हो सकती हैं। इसे देखते हुए वैकल्पिक स्रोत की व्यवस्था नहीं हो जाने तक आयात में कुछ दिनों की ढील दी जानी चाहिए। बता दें कि पिछले महीने भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर से विशेष दर्जा खत्म करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के निर्णय लेने के बाद पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए भारत के साथ अपने राजनयिक संबंध कम कर लिए थे और अपने व्यापारिक संबंधों को पूरी तरह से खत्म कर दिए थे। भारत के साथ व्यापार पर प्रतिबंध के 30 दिन गुजरते गुजरते पाकिस्तान को बौखलाहट में लिए गए अपने फैसले का असर समझ में आने लगा है। बता दें कि इन प्रतिबंधों का भारत पर कुछ खास असर तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया तथा भारत से व्यापार करने पर मजबूर हो गया। इमरान खान की सरकार ने पाकिस्तानी जनता को गुमराह करने के लिए भारत से व्यापारिक संबंध तोड़ने के लिए एक ढोंग रचा था, जिसका खामियाजा पाकिस्तान की जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। व्यापार रोकने के एक महीने बाद ही पाकिस्तान को यह एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान भारत के दवाओं के बिना एक महीने तक भी नहीं रह सकता। पाक अपने देश में मूलभूत सुविधाओं को भी पूरा करने में नाकाम रहा है। वहां की जनता को सिर्फ गुमराह कर पाकिस्तान सरकार ने अपने देश में सिर्फ आतंकवादियों को ही पनाह दिया है। अब पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि चीन व अमेरिका की उंगली पकड़ने और रुपए मांगने से देश का विकास नहीं होता है। कम से कम अपनी जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की क्षमता भी होनी चाहिए। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि देश में आतंक पालने से कुछ नहीं होने वाला है। उसे अपने देश को आर्थिक दिवालियापन से निकालकर विकास का रास्ता अपनाना होगा।